हाय फ्रेंड्स, वहाँ तुम कैसे हो? हम आ गए हैं अपने रात के डिनर का तैयारी करने। रात के आज डिनर में हमारे हैं काबुली चना के साथ पनीर और पूरी। तो हम कर रहे हैं अपने बनाने की तैयारी। कढ़ाई में डाल दिए हैं तेल और अब ये काट रहे हैं प्याज। सिंपल बनाएंगे, कोई मेहनत वाला नहीं। कच्चे 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 प्याज कटे, कच्चे 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 कच्चे। तो हमारा प्याज कट गया है, तेल में कढ़ाई हो गया है गरम। झट से डाल देंगे। मैं जीरा लेके आती हूँ। दोस्तों, हमारा तेल हो गया गरम, हम डाल दिए इसमें जीरा। अब हम इसमें डाल देंगे अपना प्याज। प्याज हमारा अब भून रहा है, सुनहरा होने तक भूनेंगे। अब हम पनीर काट लेते हैं, ये हम छोटा छोटा काटेंगे क्योंकि चना है, काबुली चना। पनीर कट गया है, प्याज भून गया है। पनीर को तलने के लिए कढ़ाई में तेल डालेंगे। आज एक साथ डबल काम। हमारा टमाटर काटना बाकी है, तो ये टमाटर काट ले रहे हैं और छोटा छोटा करके काट लेंगे। बन जाएगा ना? तो हमारा टमाटर कट गया है और इधर हमारा प्याज भी भून गया है, उधर तेल गरम हो रहा है। अब हम टमाटर को डाल देते हैं। थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि टमाटर जल्दी गल जाए। हल्दी पाउडर, मटर के हिसाब से, चने के हिसाब से डालेंगे। क्या है, अंदाज़ा डालना सबसे बेहतर है। हम आपको बता देंगे 1 किलो मटर में इतना डालिए, उतना डालिए, मज़ा नहीं आएगा। इसीलिए आप अपने अंदाजे से डालिए। हल्दी, मेथी, मसाला, चना मसाला तो पैकेट में आता है, तो आप ऐसे डाल सकते हैं।
हम थोड़ा सा अमचूर की जगह दही डाल रहे हैं। दही मजा आएगा खाने में। इसको चला लेना है, दही अच्छे से मिलना जाए तब तक इसको ऐसे चलाते रहे। ये देखिए हमारा दही मिल गया है। ये हमारे मटर काबुली चने, ये देखिए अच्छे से पिघल गया है। इसमें हम आलू नहीं डाले क्योंकि पनीर डालेंगे। ये देखो ये ऐसे दबाने से टूट जा रहा है, इसका मतलब बहुत अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें डाल लेंगे मटर, चना और पनीर के हिसाब से नमक। पनीर हो गया है, अब खा लेते हैं। सारा पनीर खा लिया, इसमें हम और तेल डालेंगे। ताकि अच्छे से उबाल आ जाए और उबाल आने के बाद हम डालेंगे इसमें पनीर। दो ठो रखेंगे अपने खाने के लिए। तो ये हमारा पनीर डल गया है, अब ये उबल रहा है एक दूसरे में नमक भूनने तक। हम तैयारी करते हैं पूरी की। मैं पूरी का आटा लगा के रखी हूँ, सिर्फ बेलना है और सेकना है और हमारे बाबूजी को खाने देना है बस। तो मैंने सब्जी अपनी निकाल ली है, अब पूरी तलेंगे और मैं खाऊंगी। गरम हो गया? हाँ, अब डल रहा है पूरी। मम्मी को तो बोलना था, बोल। मेरी गरम गरम पूरी। देखो दोस्तों भाप निकल रहा है, गुब्बारे जैसा है। मैं इसको फोड़ फाड़ के एक कर दी। या अच्छा बना, आखिरकार बनाया कौन है? बहुत लोगों से पूरी Thank you.
पूरी भी बहुत कुरकुरी बनी है और गरम गरम खाने में बहुत अच्छा लगता है। जाहिर है आप लोगों के मुंह में भी पानी आ रहा होगा, तो आप लोग भी ट्राई करें कैसे बना है। ये सौभाग्य कभी कभी मिलता है नारियों को कि हस्बैंड पूरी तले और हम वाइफ बैठ के खाए। हस्बैंड भी बहुत अच्छी पूरी खिला लेते हैं। देखिए कैसे फूलने वाला है। आज मैं खा लेती हूँ, फैमिली को बाद में खिलाऊंगी। मेरा डिनर हो गया, मैं ज़्यादा पूरी नहीं खा पाती हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और 80% लोग हमारा वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब कोई नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, हम और अच्छा अच्छा वीडियो देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।